इसके बारे में बताया, इसकी कंपाइलेशन के बारे में बताया. दरअसल लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर वन की प्लानिंग होती है, मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा 2008 के करीब. और इसके बारे में हालांकि मैं काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ, किस तरह से मैं तरक भरक से भरती हुई जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है, जो खासकर फिल्म इंडस्ट्री है और हमारे जो एल्बम की इंडस्ट्री है, जो पॉपुलर इंडस्ट्री है, जो मास के लिए है, और उसी दुनिया से मैं एक गणेश के पापा से आई, चाहे वो गवन वाले जा राजा जी या अलग अलग गीतों के जरिए मैं उस दुनिया में रहते रहते अचानक जब मुझे लगा कि इज देयर एनीवन लाइक हु इज जस्ट लाइक भूपेन हजारिका ऑफ बिहार, तो मैं भिखारी ठाकुर तक पहुंचती हूं. और 2012 में मॉरिसस के मंत्रालय में द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर रिलीज होती है वन. और ये जो लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर वॉल्यूम टू है, इन अ वे थोड़ा सा ये ऑपोजिट है. ऑपोजिट मीन्स लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर वन तक पहुंचने के लिए मुझे मैं जिनके जरिए लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर तक पहुंचती हूं, वो जो यात्रा है वही द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर टू है. तो लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर एक्चुअली रामाज्ञा राम जी जो 100 हालांकि बहुत लोग कहते हैं 110 है या 105 से 10 के बीच इनकी उम्र है, और मैं जब मिली थी तभी उनका 102-103 मैंने सुना था, तो अभी 10 ईयर्स हो गया. तो बहुत सारी बात एक साथ है. लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर टू तो है ही. रामाज्ञा राम जी खुद एक नर्तक रहे, भिखारी ठाकुर नर्तक मंडली में था उस जमाने में, और उनसे सीख के मैं लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर जी को मैं गाई. तो एक तरह से मेरी एक गुरु है रामाज्ञा राम जी. सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन एक ये भी है कि मुझे डाउट है पूरे विश्व भर में किसी का ऐसा कंपाइलेशन रिलीज होना, डिजिटली रिलीज होना, 105 साल के कोई गायक जिंदा भी है या नहीं है. अगर है तो बिस्तर पे होंगे. इस तरह से जिस तरह से उनका रिलीज हो रहा है लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर टू म्यूजिक बॉक्स प्रोडक्शन के थ्रू, और परवेज खान माय हस्बैंड उन्होंने खास इनिशिएटिव लिया इस पे. तो ये शायद अपने आप में अगर ढूंढा जाए अपने आप में भोजपुरी क्षेत्र में या पूरे इंटरनेशनल में भी न्यूज़ हो सकता है कि 105 ईयर्स ओल्ड किसी ने कुछ गाया, भिखारी ठाकुर गाए, वो रिलीज़ हो रहा है. तो शायद अगर देखा जाए, खोजा जाए, इस मे बी ये गिनीज रिकॉर्ड जैसा भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है. तो ये वापस रूट्स पे जाने की बात है. भिखारी ठाकुर टू इज़ ऑल अबाउट ओरिजिनल, लाइक पीछे मुड़ के जाना, रूट्स अपने जड़ के ओर जाना. जी कल्पना जी, वैसे रामाज्ञा राम साहब के बारे में जब आपने बताया कि 105 है, 110 साल के आदमी से, कैसे आपने उन्हें कैसे तैयार किया, आपने उनसे क्या कहा, और जब वो स्टूडियो में आपके सामने रिकॉर्ड कर रहे होंगे तब क्या माहौल था, मतलब व्हाट एनर्जी डिड यू फील एट दैट टाइम? ओह माय गॉड, उनका एनर्जी, मैं पहले बात तो मैं ये हैरान थी कि अपने आप को मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक ऐसा शख्स जो इतने सालों से इस धरती में है, अपने आप में मुझे लगता है ये एक संत जैसे लगे मुझे वो, और दुनिया को चेंज होते हुए किस तरह से देखे होंगे, खासकर अब हमारे संगीत, लोक संगीत और भोजपुरी संगीत की दुनिया को चेंज होते हुए कितने सालों से उन्होंने देखा होगा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं 2008 के आसपास उनको आरा बखोरापुर में मिलती हूँ, वो गंगा स्नान, गंगा स्तुति गा रहे थे, और उनको क्या मैं तैयार करूँ, वो उनसे मैंने लिया, उनसे मैंने सीखा. मैं मुझे उनको तैयार कुछ नहीं करना था, मुझे बस इतना कहना था कि जो किस तरह से रिकॉर्डिंग होता है स्टूडियो में, ये आपको इधर बैठ के गाना है, हम उधर बैठेंगे, ये थोड़ा सा उनको बोलना पड़ा. बाकी वो उनको अभी भी अगर आप गाने बोलेंगे ना, वो हम थोड़ा देर हो सकता है कि पीछे जाए कि गाए कि नहीं गाए, वो जंप करके आएंगे कि मुझे ये गाना है. अभी भी वो जुनून, वो पैशन. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भिखारी ठाकुर जी हो या रामाज्ञा राम जी हो, इन जैसे बुजुर्ग कलाकार को हम लोग आज सिर्फ साल में एक दिन याद करना, और कल जैसे 18 दिसंबर है, भिखारी ठाकुर जी की जयंती है, और एक दिन बिहार भिखारी ठाकुर को याद करता है, माल्यार्पण होता है, और बाकी 364 डेज हम भूल जाते हैं. कहीं ना कहीं बहुत बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भिखारी ठाकुर जी को एक तरह से आई एम वेरी सॉरी टू से, बट कभी कभी लगता है कि एक बोझ की तरह हम लोग आगे लेके जा रहे हैं. और मुझे लगा कि ये एक पहल होनी चाहिए, खासकर
भिखारी ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं कर रहे हम लोग एक्चुअली. भोजपुरी अगर मैं गायिका हूँ तो भोजपुरी के लिए मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फिर मैं अपने आप को जानने की प्रयास कर रही हूँ. अगर मेरा अस्तित्व भोजपुरी गायिका है तो मैं कौन सी भोजपुरी गायिका हूँ कि मेरा जड़ ही मुझे पता नहीं है? तो बहुत सारी बातें हैं. कास्टिज्म है, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ. बहुत बार आपको मुझे महसूस हुआ जैसे भिखारी ठाकुर जी की जय गाथा हम कोई मंच पर बोल रहे हैं तो और कोई आ जाएंगे तुरंत महेंद्र मिश्र जी या ऐसा कोई नाम बोलेंगे और वो एक जैसे बैलेंसिंग एक्ट होता है. दिस कास्टिज्म इज वेरी स्ट्रांग, अभी भी बिहार में स्ट्रांग है और आई थिंक तब तो भिखारी ठाकुर जी ने और उसको महसूस किया होगा. बट वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. पॉइंट ये है कि उन्होंने सब कुछ संघर्ष करके हर नियम को तोड़ा. उन्होंने जो देखा उन्होंने वो सब नाटकों के जरिए लिखा, वो गाए और समाज को ये दे के गए कि ये समाज में कुरीति है, प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए संगीत का या रंगमंच का सहारा लिया जाए. लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर वन को रिलीज करते वक्त भी मैं भोजपुरी को एक ये नहीं मानती हूँ कि क्षेत्रीय भाषा है या क्षेत्रीय हमारा इंडस्ट्री है. भोजपुरी फॉर मी इज इंटरनेशनल, ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ. एंड लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर वन भी वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ था, इंटरनेशनली रिलीज हुआ था. एंड लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर टू भी इंटरनेशनली रिलीज हो रहा है. ऑफकोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है अभी बहुत स्ट्रांगली हर तरफ. एंड स्पॉटिफाई गोबूज एंड आई थिंक मेरे प्रोडक्शन म्यूजिक बॉक्स एंड परवेज खान जी ज़्यादा बेहतर इसमें बात कर पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इंटरनेशनली अलग अलग साइट्स में इसका रिलीजिंग है. और बिकॉज भिखारी ठाकुर इज नॉट लेस देन माइकल जैक्सन फॉर मी, सो अपना एक विचारधारा है. और इंटरेस्टिंगली मैं और एक बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि हाल ही में मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है और आगामी 24 तारीख को विद्यापति भवन पटना में भारतीय जनता पार्टी की कला और सांस्कृतिक जो प्रकोष्ठ है हम सब लोग मिलके भिखारी ठाकुर महोत्सव को इस पार्टी की ओर से भी एक श्रद्धांजलि देंगे. और खासकर इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी है वरुण सिंह, उनको खास धन्यवाद देना चाहूँगी. और मुझे लगा अब जाके कि लोग जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि आपका क्षेत्र कौन सा होगा, चुनाव कौन सा होगा, ये सब चुनाव में क्या होगा, तो ये बहुत ये इनक्विजिटिवनेस था लोगों में. लेकिन मैंने तब भी कहा था कि मैं अगर पार्टी में आई हूँ जस्ट टू सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी, एक विचारधारा है मेरे लिए और उस विचारधारा से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ. और मुझे लगता है बिहार में मैंने ज्वाइन किया था तो अब आगामी 24 तारीख को एक तरह से राजनीति को मैं जो अपने क्षेत्र में संगीत से जोड़ के, कला से जोड़ के जो आगे ले जाना मेरा जो एक सपना है, शायद 24 तारीख को वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है, एक शुरुआत है. तो ये भी मुझे एक खबर इसका मतलब ये, इसका क्या ये मतलब हुआ कि कल्पना जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो क्षेत्र है, मीन्स इस देश में कभी कभी ये भी होता है ना कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो है जिनको खेल से कुछ नाता ही नहीं रहा, उन्होंने कला संस्कृति विभाग में मंत्री कभी कभी वो भी होते हैं जिनको संगीत या थिएटर या कहीं से कोई नाता ही नहीं रहा. तो मैं इसको बहुत आयरनिकली देखती हूँ. मतलब डॉक्टरी पास करने के लिए हम बड़े बड़े डॉक्टर के पास कब जाते हैं कि उनका एजुकेशन देखते हैं, उनका डिग्रियाज देखते हैं, तो इतना मेहनत करके वो मेडिकली ये होते हैं तब जाके वो इलाज करते हैं. तो आई थिंक जो देश को चला रहे हैं, अलग अलग विभाग को चला रहे हैं, वो जो जो विभाग में है वो उस विभाग में उनका ये पकड़ होना बहुत ज़रूरी है. तो मैं अगर चुनाव या आगे जाती भी हूँ प्रॉपरली राजनीति में तो मैं किस में स्पेशलिस्ट हूँ, मैं मेरा विभाग क्या है, मेरा लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक कला संगीत इसी में हूँ, तो इसको बेस बना के मुझे आगे जाना है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी भी चुनाव में आगे नहीं आऊँगी, लेकिन फिलहाल फुल कंसंट्रेशन मेरा हमारी लोक कला लोक संगीत पे ही है. अच्छा, रिसेंट जो लोकसभा पोल्स थे स्टेट्स में उसमें बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारी, उसके बाद भी कल्पना बीजेपी का ही दामन थामना चाहती है, ऐसा लगता नहीं है कि 2019 बीजेपी के लिए भी खुद मुश्किल होगी, और अगर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी तो कल्पना के लिए कैसे आसान हो सकती है? मैं फिलहाल भिखारी ठाकुर जी से भटकना नहीं चाहूँगी, क्योंकि भिखारी ठाकुर आज कल जयंती है और कोई लोकसभा कोई इलेक्शन मेरे दिल से और जो मैं जो मेरा जो सपना है उसको कोई भी पंचायत इलेक्शन कुछ भी भिखारी ठाकुर से मुझे हटा नहीं सकती है. तो मेरा लक्ष्य क्लियर है एंड कल जयंती है, उनको श्रद्धांजलि है और मेरे लिए माल्यार्पण यही है कि अलग से फूल का माला नहीं है, वो दिल में है, लेकिन
लेकिन हर मंच पे मैं उनको 365 दिन मैं उनको जीती हूँ, हर मंच पे मैं उनको जीती हूँ. तो मेरे लिए लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर या भिखारी ठाकुर पंचायती इलेक्शन से एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है. और वहाँ बहुत बड़े बड़े हमारे सीनियर्स पॉलिटिशियंस चाहे कोई भी पार्टी से हो वो लोग बैठे हुए हैं. आई डोंट थिंक मेरा वो औकात है कि मैं उस पर कॉमेंट करूँ. मैं फिलहाल इसके बारे में बात कर सकती हूं. भिखारी ठाकुर के बारे में जब मंच पे बहुत सारे लोग होंगे तो आप कुछ भिखारी ठाकुर साहब के लिए या उनसे जुड़ी यादों के लिए मांग बहुत सारी है, बहुत सारी. ऑफ कोर्स इस बारे में बहुत बात करना जरूरी है. मैं जब भिखारी ठाकुर को शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर कहा गया तो मैं खुद इंग्लिश सब्जेक्ट मेरा था, ऑनर्स था. और मैं लंदन पहुंचती हूँ. लंदन पहुंचने के बाद मेरा पार्टी और शॉपिंग ये सब तो था, लेकिन उससे सबसे इम्पोर्टेंट था किस तरह से मैं शेक्सपियर के गांव तक पहुंचूं. मैं 3 घंटा आगे तक मैंने सफ़र किया. शेक्सपियर हाउस गई और उनको किस तरह से रखा गया. ऑफकोर्स दैट इज़ वो ब्रिटिश सरकार है, लेकिन जिस तरह से शेक्सपियर हाउस और सब कुछ रखा गया. और वापस जब मैं छपरा कुतुबपुर गई, बिहार गई, तो दोनों में मुझे ये पता है दोनों में अंतर होगा, लेकिन श्रद्धा तो एक होना चाहिए. श्रद्धा की कोई कीमत नहीं होती है. तो वो भी मुझे, मैं खुश नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ उससे. भिखारी ठाकुर महोत्सव को कुतुबपुर गांव में जिस तरह से मनाया जाता है, एक तंबू मतलब क्या बोलते हैं सामियाना. और मैं भिखारी ठाकुर को एक करना चाहती हूँ, भिखारी ठाकुर हॉल हो जिसमें भिखारी ठाकुर जी की जो चिंतन है उसके बारे में चर्चा हो. वो विचारधारा आगे नेक्स्ट पीढ़ी तक कैसे जाएगा, मेन वो बात है. कि अब भिखारी ठाकुर ने उस समय जो देखा उन्होंने लिखा, अब की समस्या आफ्टर 75 ईयर्स अब की समस्या अलग है. अब की जो जो हमारी नवजागरण एक आनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, जो आपने अपने पॉलिटिकली जो भी बात किया अभी, तो अब के वो समय में वो जो सवाल आपने किया ना पंचायती चुनाव के बारे में, ये सब सवालों का एक कलाकार का जवाब देने के लिए दूसरा भिखारी ठाकुर चाहिए अभी. अब जो बलात्कार हो रहे हैं, अब उस समय शायद ऐसा नहीं था. तो हमेशा समय अलग अलग होता गया और हर समय में एक भूपेन हजारिका आए, एक भिखारी ठाकुर आए. तो बिहार को अगर देखती हूँ तो वो भिखारी ठाकुर नामक जो ऊर्जा है उसको नहीं पाती हूँ अभी. और तो उसमें हमको चिंतन करने की ज़्यादा ज़रूरत है. नए जो प्लेटफॉर्म है, अगले जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो क्या लिख रहे हैं, साहित्य में क्या कर रहे हैं, उसको प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है. आई थिंक ये सब और ध्यान देना ज़रूरी है. और ख़ासकर उन लोगों ने कहा कुतुबपुर जो उनके परिवार है अभी भी, भिखारी ठाकुर आश्रम पिछले 40 साल से वही हालत में है. कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है उस वहाँ पे. खुद कहा उन्होंने, उनके प्रपत्र ने, कि वो बहुत नाखुश है इससे. तो मैं जा रही हूँ अभी पटना होते हुए शायद मैं कुतुबपुर भी जाऊँ. मैं अपनी तरफ से जैसे एक कोशिश ये है, उसी तरह से आश्रम को भी मैं क्या कर सकती हूँ. हालांकि वो बहुत बड़ी एक ये हो जाएगी, हिम्मत हो जाएगी, लेकिन फिर भी देखूँगी, जाऊँगी. और आप लोग मेरा साथ देंगे तो इसी तरह से एक जो चिंगारी है वो मशाल बनेगा और शायद आगे सरकार की भी ध्यान जाएगी उसमें. ये सब में बात करना ज़रूरी है. मैम जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो क्या आपकी कोशिश होगी कि केसारी हो, दिनेश लाल यादव हो, उन लोगों से भी बात किया जाए कि क्योंकि अगर जब बड़े एक्टर आते हैं तो ज़्यादा मीडिया आएगी और उससे एक वो होगा, तो क्या आर यू एबल टू टॉकिंग विद देम? एक्चुअली ऑफकोर्स पॉपुलर इंडस्ट्री मतलब क्या है. मैं मुझे लगता है कि सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाए के, गवनवा ले जा राजा जी, गणेश के पापा या तमाम जो मेरे गए थे वो मेरी ताकत है. उसी को उसी कल्पना को देखने के लिए लोग मेरे सामने बहुत हज़ारों की भीड़ होती है. और तब जाके मैं भिखारी ठाकुर जी की जब बात करती हूँ वो सुनते हैं. तो वो एक ताकत है. पॉपुलर इंडस्ट्री जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी ताकत है. लेकिन ऑफकोर्स मैं आपके माध्यम से भी उन लोगों को कहना चाहूँगी कि सब लोग हीरोज़ हीरोइंस आर्टिस्ट एवरीवन आए. और उनको अगर इंटरेस्ट है, उनको अगर रुचि है, तो मेरे से ज़्यादा तो उनका भी हार है पहले तो उनको आना चाहिए. लेकिन मैं किसी के लिए वेट नहीं करूँगी. वेट करने से क्या होगा, हर कोई अपने क्षेत्र में बिजी है क्योंकि हर किसी का लक्ष्य अलग है. समझ रहे हैं ना, हर किसी का लक्ष्य अलग है. तो मैं चाहती हूँ सब लोग आए तो आए, मैं वेलकम करूँगी, एक साथ मिलकर काम किया जाए. कल्पना जी, जैसा कि उन्होंने कहा, रिसेंट टाइम्स में जिन लोगों का नाम लिया गया, कुछ सुपरस्टार्स को बिहार में अटैक भी किया गया था,
कभी कल्पना ने भी ऐसा कुछ फेस किया जब लोगों के भीड़ बड़ी बहुत ज्यादा हो या ऐसा लगा हो कि अब आज जान ले लेगी मेरी? कभी नहीं, अब तक तो मैंने फेस नहीं किया ऐसा. एंड आई थिंक कभी कभी अलग एक बात, फिर कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाता है पब्लिक, उस खुशी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. और कभी कभी ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी हो सकता है. कभी कभी ये भी हो सकता है कि फॉर पब्लिसिटी, जैसे हमारे बॉलीवुड में बहुत बार देखा गया है, बहुत लोग खुद भी करते हैं न्यूज़ में बने, न्यूज़ कुछ बनी रहे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री कैसा है आप लोगों को पता है मुझसे ज़्यादा, आप लोग डेली इंटरेक्ट करते हैं. बट आई थिंक जो भी वजह हो, दिस इज़ कम्प्लीटली नकारात्मक, नेगेटिव है. और कलाकार के ऊपर इस तरह की अटैक नहीं होना चाहिए. और कोई भी मसला हो, बात किया जाए, लेकिन ये इसको तो मैं निंदा करती हूँ. वैसे आप लेकिन से आप भिखारी ठाकुर 2 से आप कुछ गा के हमारे ऑडियंस को सुनाना चाहते हैं कल्पना जी? एकदम चाहूँगी. मैंने हालांकि इस प्रोजेक्ट में मैं नहीं गाई हूँ. लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर वॉल्यूम 2 इज ऑल अबाउट रमागिया राम जी. मैं जिनसे सीखी उनके ऊपर, हालांकि मैं एक गाई हूँ. अरे बाबा का भवनवा में करे के गवनवा रे साजनवा, हे बाबा के भवनवा से करे के गवनवा रे साजनवा, ए हो पिया कैलन पुरुक के पाया नवा रे साजनवा. भिखारी ठाकुर 2 में मैं ये गाई हूँ. और भिखारी ठाकुर 1 से मैं ऑफकोर्स गाना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट था कम्प्लीटली. नाम भिखारी काम भिखारी रूप भिखारी मोर, अठाट पलान मकान भिखारी भइल चहु दिसिसोर. ऐसन लिखालन करम में विधाता, ऐसन लिखालन करम में विधाता, सुंदर नर्तन विमल पाई के, सुंदर नर्तन विमल पाई के टूटल जगत से नाता विधाता, आर टूटल जगत से नाता विधाता, ऐसन लिखालन करम में विधाता. ग्रेट, थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. विजुअल ले लो, हट जाना, फिर फोटो लेना है अपने को. चलो भाई, विजुअल हट जाओ, फोटो लेना है. 700 डिजिटल साइट्स में रिलीज हो रही है. और नॉट ओनली लाइक इन वन कंट्री बट इन डिफरेंट कंट्रीज, खासकर यूके से रिलीज हो रही है. सो आई थिंक भोजपुरी वाज ऑलवेज इंटरनेशनल, बट एक तरह से प्रैक्टिकली लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर उसको प्रमाणित भी करती है. को बहुत समय में नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर मेरे जो आगामी जो उत्तराधिकारी या जो नेक्स्ट पीढ़ी है, उनको लेके मैं बहुत कंसर्न इसलिए हूँ कि भिखारी ठाकुर को अगर एक मंच पे मैं गाऊँ, अगला साल उस पर कौन आएगा, कौन गाएगा? बहुत लोग गा रहे हैं अभी. 2010 के बाद 2012 में जब लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 1 आया था, उस वक्त का सिनेरियो ऐसा नहीं था. डिजिटली कुछ भी अवेलेबल मुझे नहीं मिला इंटरनेट में, लेकिन उसके बाद मैंने वो परिवर्तन देखा है लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 1 के बाद. और उसी परिवर्तन की एक कड़ी है, एक प्रमाण है कि कमलेश एक खुद बहुत अच्छा सिंगर है, गायक है, जो मुंबई में रहता है, लेकिन ओरिजिनली आप हो वडाला, लेकिन उत्तर प्रदेश से बिहार से, बस्ती से. जी जी. और ये है सेतु सिंह जो कि बिहार से है. तो आप लोगों ने प्रोफेशनली गायन को लिया है, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी दो दो लाइन. भी बहुत कुछ सीखना है. हाँ, सीख भी रही हूँ. हाँ, वही पहले भिखारी ठाकुर को सिखा जाए. मैंने रामागिया राम जी से सीखा है, और मैं किस आप लोगों को कैसे दूं? तो मैं चाहूंगी दो दो लाइन, हालांकि अब तक मैंने सिखाना शुरू नहीं किया, लेकिन फिर भी दो दो लाइन गाया जाए. एक बेटी बेचवा जो उनका बहुत ही फेमस नाटक है, उन पर दो लाइन मैं गाना चाहूंगी. गाइए. रुपया गिनाई दिहले पगा धराई दिहला, अरे चेरिया चेरिया मतलब बेटी, चेरिया के छेरिया बनावला हो बाबूजी. आप गई कुछ? मैं गोबर की चोरन गा देता हूँ. गोबर की चोरन तो ये
नाम भिखारी काम भिखारी रूप भिखारी मोर अठाट पलान मकान भिखारी भैर चहु दिस सोर रामो अक्षर से रामो अक्षर से अर्थ धर्म मिली रामो अक्षर से काम रामो अक्षर से मोक्ष धाम मिली लिख देहु बदन तमाम जीव के भीतर राम नाम लिखा जीव के बाहरी राम अकहे भिखारी श्वास श्वास में सीता राम के नाम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो मुझे लगता है कि इस तरह से और भी बच्चे अलग अलग जगह से तैयार होंगे तो आप सभी को नर्वस था इसके लिए नहीं अच्छा है और सभी को पूरी जनता को भी आपके आप लोगों के माध्यम से भिखारी ठाकुर जयंती के लिए बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ क्योंकि ये एक तरह से एक मंगलमय एक अवसर है और इसको सेलिब्रेशन की तरह लेती हूँ तो आप सभी को शुभकामना।